इस सवाल का जवाब देकर विश्व सुंदरी बनी थी ऐश्वर्या राय। 25 साल पहले रचा था इतिहास। ऐश्वर्या राय के लिए आज का दिन बेहद खास है। 19 नवंबर 1994 को ऐश्वर्या ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था। ये दूसरी बार था जब कोई भारतीय सुंदरी मिस वर्ल्ड बनी थी। उस वक्त ऐश्वर्या की उम्र 21 साल थी। 86 देशों की सुंदरियों ने मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भाग लिया था। ऐश्वर्या ने अपनी खूबसूरती और टैलेंट के दम पर ये प्रतियोगिता जीत ली थी। इस मौके पर हम आपको वो सवाल बताते हैं जिसका जवाब देकर ऐश्वर्या विश्व सुंदरी बन गई थी। ऐश्वर्या ने सवाल पूछने के लिए जज कैथरीन कैलीलैंग को चुना था। सवाल था, अगर आप आज विश्व सुंदरी का खिताब जीत जाएं तो क्या करेंगी और 1994 की मिस वर्ल्ड में क्या खूबियां होनी चाहिए। जवाब में ऐश्वर्या ने कहा था, अभी हमने जितनी भी मिस वर्ल्ड देखी है उन सभी में दया भाव था। उनमें सिर्फ बड़े लोगों के लिए ही दया नहीं थी बल्कि उनके लिए भी थी जिसके पास कुछ नहीं है। हमने ऐसे लोगों को देखा है जो इंसान के बनाए बैरियर राष्ट्रीयता और रंग से आगे देख सकते हैं। हमें उनसे भी बढ़कर देखने की जरूरत है, तभी एक असली मिस वर्ल्ड उभरेगी, एक सच्चा इंसान। ऐश्वर्या अब एक सफल बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं। उन्होंने साल 2007 में अभिषेक बच्चन से शादी कर ली थी। अब उनकी 8 साल की बेटी आराध्या भी है। ऐश्वर्या ने 1994 में ही मिस इंडिया पेगमेंट में हिस्सा लिया था। इस प्रतियोगिता में उनके सामने सुष्मिता सेन थी। मिस इंडिया प्रतियोगिता के आखिरी चरण तक सुष्मिता और ऐश्वर्या के बीच टाई हो गया था। जज ने दोनों को ही 9.33 नंबर दिए थे। इसके बाद ये तय हुआ कि दोनों से एक एक सवाल पूछा जाएगा, जो इसका अच्छा जवाब देगा वो मिस इंडिया का खिताब जीत जाएगा। इसी के साथ सुष्मिता सेन विजयी होकर मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में गई थीं। वहीं दूसरे नंबर पर आने के चलते ऐश्वर्या मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में गई थीं।